Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आम बजट 2024 आ चुका है। इसमें हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ऐलान किए गए। किराए पर मकान और फ्लैट देने वाले मकान मालिकों के लिए भी बजट में नया नियम आ गया है, जिस पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। मकान किराए पर चढ़ाकर कमाई यानी रेंटल हाउस इनकम करने वाले लोगों के लिए बजट में ज़रूरी प्रावधान ये है कि अब घर या फ्लैट को किराए पर चढ़ाकर होने वाली इनकम को हाउसिंग प्रॉपर्टी में होने वाली इनकम माना जाएगा। अब इसे बिजनेस इनकम के रूप में नहीं दिखाया जा सकेगा। आइए इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय इनकम टैक्स एक्ट में एक अहम संशोधन का जिक्र किया, जिसमें साफ कहा गया है कि आवासीय संपत्ति को किराए पर देने से होने वाली इनकम को बिजनेस या किसी पेशे से होने वाली इनकम की बजाय हाउसिंग प्रॉपर्टी से इनकम के तहत दिखाया जाना चाहिए। आपको बता दूं, वर्तमान में टैक्स पेयर्स किराए के मकान से होने वाली इनकम को कम दिखाने के लिए गलत तरीके से व्यवसाय या पेशे से होने वाले फायदे के रूप में दिखा देते हैं। वित्त मंत्री ने कहा था कि इसकी वजह से उनकी देनदारी कम हो रही है। इस प्रावधान में कुछ प्रॉपर्टी मालिकों को किराए की इनकम को बिजनेस में होने वाली इनकम के रूप में दिखाने की परमिशन है, जिससे रखरखाव लागत, मरम्मत और डेप्रिसिएशन जैसी कटौती का दावा किया जा सकता है। इस तरीके से इनकम को गलत तरीके से दिखाकर टैक्स पेयर आसानी से टैक्सेबल इनकम को काफ़ी कम कर देते हैं, जिससे उनको कम टैक्स भरना पड़ता है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव दिया कि इस स्थिति को साफ करने के लिए केंद्र सरकार सेक्शन 28 में संशोधन करेगी, जिसके बाद टैक्स पेयर किराए से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम के रूप में शो नहीं कर सकेंगे। इस नए नियम से इस तरह के लोगों की टैक्स देनदारी बढ़ने की संभावना है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यह संशोधन अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। ये नया नियम इनकम टैक्स पेयर्स को गलत इनकम के नाम पर कम टैक्स भरने से रोकेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।